जिस पल का आप में से बहुत सारे नए राइटर्स को बेसब्री से इंतजार था वो पल आ चुका है। मेरी स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुकी है। मैंने एक ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स स्टार्ट किया है जिसे आप घर बैठे कर सकते हैं, अपने घर में रहकर कर सकते हैं। आपको कहीं भी दूसरे शहर में या फिर कहीं भी जा करके कोई फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर बैठकर ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स। इस कोर्स में आप लोगों को स्क्रिप्ट राइटिंग की छोटी सी छोटी बारीकियों और बड़े से बड़े टॉपिक को सिखाया जाएगा। कुछ दिनों पहले मैंने YouTube पर एक पोल डाला था जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे कि आप किस माध्यम से कोर्स को करना चाहते हैं। आप WhatsApp के जरिए करना चाहते हैं या फिर आप Instamojo के जरिए करना चाहते हैं या किसी ऐप के जरिए करना चाहते हैं या वेबसाइट के जरिए करना चाहते हैं। तो उसमें से जो मैक्सिमम राइटर्स हैं उन लोगों ने WhatsApp को चुना, तो इसीलिए मैं कोर्स जो है वो WhatsApp के जरिए ही करवाऊंगा। तो यानी जो ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स है जिसका नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, वो आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है आप सभी राइटर्स के लिए, क्योंकि जब आप इसे व्हाट्सएप के माध्यम से करेंगे तो आप अपने डाउट्स को कभी भी किसी भी समय पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए ही। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स जो है ये 4 months का कोर्स है। इस कोर्स को आपको करने में 4 महीने लगेंगे और इस 4 महीने में जो आपको सिलेबस है यानी जो चीजें आपको सिखाई गई है इन 4 months में, ये बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी इसे अलग 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 4 months में बांटा गया है और सिलेबस को इस तरीके से बांटा गया है कि आपको सीखने में बहुत आसानी होगी। बिल्कुल स्टेप वाइज आपको सिखाया गया है। आपको पहले जैसे कॉन्सेप्ट से स्टार्टिंग की गई है, कॉन्सेप्ट आप कैसे लिखे, उसके बाद फिर आपको सिनॉप्सिस लिखना सिखाया गया है, फिर इसी तरीके से कर करके यानी छोटे से बड़े चीज़ों को आपको सिखाया गया है। फिर जैसे ही आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर बन जाते हैं। यानी आप जो कोर्स में बताई गई चीज़ें हैं उसे आप प्रैक्टिस करते हैं, उसे सीखते हैं, उसे समझते हैं, और जब आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर बन जाते हैं। इस कोर्स में आपको वीडियो के माध्यम से सभी टॉपिक्स को बताया गया है और वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। सभी वीडियोस में जो भी टॉपिक्स लिया गया है उन सबके आपको सैंपल्स वहां पर दिखाया गया है और एग्जाम्पल्स सहित सभी चीजों को आप लोगों को सिखाया गया है। आप देख सकते हैं मैं आपको पूरा सिलेबस यहां पर दिखा दे रहा हूं। ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं इसमें स्क्रिप्ट राइटिंग की छोटी सी छोटी चीजों को और बड़े से बड़े टॉपिक को कवर कर लिया गया है। तो जितनी भी चीजें स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड है सभी चीजें इस सिलेबस के अंतर्गत आ जाती है। इस कोर्स को डिजाइन करने में मुझे बहुत मेहनत लगा था। इस कोर्स को डिजाइन करने में लगभग 8 महीने मुझे लग गए। तो जैसा कि मैंने इस कोर्स को बिल्कुल समय देकर के निकाला है तो ये कोर्स जो है ये बहुत अच्छी बनी है और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से ये आपको स्क्रिप्ट राइटिंग सिखा देने में सक्षम है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई जा रही है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है, फिर कॉन्सेप्ट राइटिंग सिखाई गई है, फिर सिनॉप्सिस राइटिंग, फिर स्टोरी प्लॉट राइटिंग, वन लाइनर स्टोरी राइटिंग, फिर फिल्म की कहानी लिखने के लिए आइडिया कैसे ढूंढे। हर मंथ के लास्ट में आपको होमवर्क भी दिया जाएगा और उसकी वेरिफिकेशन भी की जाएगी। फिर आप देख सकते हैं कि स्टोरी राइटिंग भी है, पिचिंग योर आइडिया है यानी अपने आइडिया को पिच करना आपको सिखाया जाएगा, फिर टैगलाइन, लॉगलाइन, प्रेमाइस, ये सभी चीज़ें आपको बताई जाएगी, कैरेक्टर डेवलपमेंट चार्ट भी बनाने आपको सिखाया जाएगा, फिर अलग अलग तरह के स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर्स को भी आपको सिखाया जाएगा जैसे 3-act स्ट्रक्चर, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो ये सभी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। उसके बाद बड़े बड़े टॉपिक्स भी इसमें दिए हुए हैं जैसे स्क्रीन प्ले राइटिंग, स्क्रीन प्ले ट्रांजिशंस, जिसमें बहुत सारे नए राइटर्स को डाउट होता है तो स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन भी आपको सिखाई जाएगी, कैमरा शॉट्स भी आपको सिखाए जाएंगे, स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई जाएगी, फिर आपको स्क्रीन प्ले आउटलाइन भी सिखाया जाएगा, नरेशन करना भी सिखाया जाएगा कि आप कैसे नरेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे आपको स्टोरी नरेट करना चाहिए प्रोड्यूसर्स को, ये भी आपको बताया जाएगा, फिर स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करवानी है, क्यों करवानी है, ये सभी चीज़ें आपको बताई जाएगी, फिर आप अपने स्क्रिप्ट को कैसे प्रोड्यूसर्स को बेच सकते हैं, कैसे आप अपने स्क्रिप्ट को सेल कर सकते हैं, कैसे प्रोड्यूसर्स तक पहुँचा सकते हैं, ये सभी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी, फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन बताया जाएगा पूरे स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स का। यानी स्क्रिप्ट राइटिंग की A to Z चीज़ें आपको यहाँ पर सिखा दी जा रही है। जो भी चीज़ें स्क्रिप्ट राइटिंग के अंतर्गत आती है यानी कॉन्सेप्ट राइटिंग, सिनॉप्सिस राइटिंग, प्लॉट राइटिंग, टैगलाइन, लॉगलाइन, प्रेमाइस, बहुत सारी चीज़ें जो स्क्रिप्ट राइटिंग के अंतर्गत आती है वो सभी चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाएगी स्क्रिप्ट के अंतर्गत। तो इसीलिए इस कोर्स का नाम हमने दिया है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, क्योंकि इसमें आपको स्क्रिप्ट राइटिंग A to Z तक पूरी सिखा दी जाती है। इस कोर्स को करने के बाद आप बन जाते हैं एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर।
इस कोर्स को हर उम्र के इंसान कर सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं। अगर कोर्स के दौरान आपको कोई भी डाउट होती है, किसी भी तरह की आपको संदेह होती है, आपको किसी भी चैप्टर में कोई डाउट है या किसी चैप्टर के कोई पार्ट में डाउट है, तो आप हमें व्हाट्सएप करके उस डाउट को कभी भी किसी भी समय पूछ सकते हैं। और आपको यहाँ पर एक और फैसिलिटी दी जा रही है, आप कॉल करके भी हमसे अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। आपके डाउट्स को क्लियर करने में हमारी टीम जो है वो पूरी हेल्प करेगी। कोर्स के अंतर्गत जो वीडियोस दी भी रहती है, उन वीडियोस को आपको देखना है। अगर आपको उसमें से कुछ नहीं समझ में आता है तो आप उसे एक बार दोबारा देखिए, आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको हमें कॉल करना है या फिर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने डाउट को पूछ सकते हैं। हालांकि इसकी नौबत नहीं आती है, क्योंकि कोर्स को इस तरीके से साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है कि आपको कुछ डाउट्स होंगे ही नहीं। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपके सारे डाउट्स ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ जाता है तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। व्हाट्सएप आप हमें किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं अपने डाउट को क्लियर करवाने के लिए, तो आप हमें सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसी नंबर पर आपको कॉल करना है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कोर्स की प्राइस कितनी है। बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कोर्स की प्राइस हमने कोशिश की कि कम से कम हम लोग रखें। तो हम लोगों ने जितने पैसे उसमें लगाए और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और आपके कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कोर्स की प्राइस जो है वो 4,500 रखी। अभी आप लोग अगर लेकिन इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो पहले 30 एप्लीकेंट के लिए यानी पहले 30 आवेदकों के लिए ये कोर्स की प्राइस जो है वो मात्र 3,900 रुपीज़ ही रहेंगे। यानी कोर्स की ओरिजिनल प्राइस जो है वो है 4,500, लेकिन अगर अभी आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो पहले 30 लोगों को, जो कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं उन 30 लोगों को ऑफर दिया जाएगा, तो उन पहले 30 लोगों को कोर्स की प्राइस जो है वो मात्र 3,900 रुपीज़ ही लगेंगे। तो मैंने ये कदम जो है ये बहुत सोच समझ कर लिया। तो आप में से जो भी लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग जल्दी जल्दी अप्लाई कर सकते हैं कोर्स के लिए। अब आप ये जान लीजिए कि कोर्स के लिए अप्लाई कैसे करना है, कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है। अगर आप हमारे A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो फिर हम लोग आपको एक फॉर्म भेजेंगे, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है और फिल करके आपको हमें सेंड कर देना है उसी व्हाट्सएप नंबर पर। तो उस फॉर्म को मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ और उसे कैसे फिल करना है, उसमें क्या क्या डिटेलिंग्स फिल करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स का एडमिशन फॉर्म है। देखिए आपको इसे कैसे फिल करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत आती है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो को पेस्ट कर दीजिए, यानी आपका जो फ़ोटो रहता है जो पासपोर्ट साइज़ का रहता है, जैसे आप स्टूडियो में खिंचवाते हैं तो उस तरह की आप फ़ोटो जो है वो पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद फर्स्ट लाइन में आपको अपना पूरा नाम लिखना है, फिर सेकेंड लाइन में आपको अपने पिता का नाम लिखना है, थर्ड लाइन में आपको अपने माता का नाम लिखना है, फोर्थ लाइन में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है यानी अपनी जन्म तिथि लिखनी है आपको, साइड में आप देख सकते हैं आपको अपना लिंग लिखना है, आप मेल है या फीमेल है ये लिखना है, फिर आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखना है नीचे वाली लाइन में, यानी शैक्षिक योग्यता, यानी आप कितने पढ़े लिखे हैं, यानी आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं या फिर आपने 12th कंप्लीट किया है या फिर आपने 10th अभी कंप्लीट किया है या फिर अभी आप नॉन मैट्रिक है, तो यहाँ पर आपको अपने क्वालिफिकेशन के बारे में लिखना है। फिर नेक्स्ट लाइन में आपको अपनी नेशनलिटी लिखनी है, जैसे अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप यहाँ पर इंडियन लिखेंगे, फिर अगर आप कहीं और रहते हैं, इंडिया से कहीं बाहर रहते हैं, सपोज़ आप अमेरिका में रहते हैं तो आप अमेरिकन लिखेंगे। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में आपको हॉबीज़ लिखनी है, हॉबीज़ में आप अपने शौक लिख सकते हैं, जैसे किसी को म्यूज़िक सुनना पसंद रहता है, किसी को स्क्रिप्ट लिखना पसंद रहता है, तो ये सभी चीज़ें आप वहाँ पर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में आपको अपना एम्बिशन लिखना है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देना है, यानी आपको वो मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर जिसके ज़रिए आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप चलाते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर देना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप इसी के ज़रिए कोर्स को करेंगे, तो यहाँ पर आप अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको अपना एड्रेस भरना है, यानी अपने घर का पता भरना है। उसके बाद आपको साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है डेट ऑफ एप्लीकेशन का, यहाँ पर आपको अपने आवेदन की तिथि डालनी है, यानी आपने जिस दिन अप्लाई किया है, आपने जिस दिन फॉर्म फिलअप किया है उस दिन की डेट आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में नीचे में देख रहे हैं सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यानी आवेदक के हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको अपना साइन करना है,
या फिर आप अपना नाम भी वहां पर लिख सकते हैं, साइन कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और इसे फिल करने के बाद आपको हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। जो फॉर्म आप लोगों को हम लोग सेंड करेंगे वो फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट में होगी, तो उससे आप कोई भी पीडीएफ एडिटर से एडिट करके उसी में आप फिल करके आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उस फॉर्म का आप प्रिंटआउट निकाल लीजिए, फिर आप पेन से उसे फिल कर दीजिए फॉर्म को अच्छे से, और उसके बाद उसका फोटो खींच करके हमें आप व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए। तो जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करके हमें सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पर, तो फिर आपको क्या करना है, आपको हमें पेमेंट करनी है 3,900 रुपीज। अब आप इसे पेमेंट कैसे करेंगे? आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ जो अकाउंट डिटेल्स दिए गए हैं, अकाउंट नंबर देखिए आप यहाँ पर दिया हुआ है, फिर अकाउंट होल्डर का नेम भी दिया हुआ है, यानी आकाश रजक के नाम से जो अकाउंट है ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और अकाउंट नंबर ये जो आप देख रहे हैं इसमें, और नीचे में इसका IFSC कोड भी दिया हुआ है। तो ये अकाउंट डिटेल्स में आपको इसी अकाउंट में 3,900 रुपीज जमा करने हैं, और फिर जो आपको रिसिप्ट मिलेगा बैंक से, उस रिसिप्ट को आपको हमें व्हाट्सएप कर देना है फोटो खींच करके। यानी सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो आपको क्या करना है, आपको बैंक जाना है, बैंक जाकर के आपको 3,900 रुपीज इस अकाउंट नंबर पर आपको जमा करने हैं, और वो जो आपको रिसिप्ट देंगे, क्योंकि आधा जो रहता है वो जमा हो जाता है वहां पर और आधी रिसिप्ट जो है वो आपको दे देते हैं, तो उस रिसिप्ट का फोटो खींच करके आपको हमें व्हाट्सएप कर देना है। और उसके बाद जैसे ही आप हमें व्हाट्सएप करेंगे वो रिसिप्ट, हम लोग आपको आपका पेमेंट का रिसिप्ट भेज देंगे। यानी आपने पेमेंट किया है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स के लिए, ये रिसिप्ट हम लोग आपको सेंड कर देंगे, और उसके बाद कोर्स का जो कंटेंट है वो भी हम लोग आपको सेंड कर देंगे। और ये जो कोर्स का जो कंटेंट रहेगा, इसे आप देख करके बिल्कुल आसान तरीके से पूरे स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स कर सकते हैं घर बैठे ही बिल्कुल ऑनलाइन। बस आपको करना क्या है, आपको जो भी वीडियोस और जो भी फाइल्स वहां पर मिलेंगी, कुछ उसमें पीडीएफ फाइल्स रहेंगी और बहुत सारे वीडियोस उसमें रहेंगे, तो उनको आपको बस डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने में भी आपको बहुत ज़्यादा MB भी खर्च नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा आपका डेटा भी खर्च नहीं होगा, क्योंकि जो वीडियो फाइल्स रहेंगी वो कंप्रेस की भी रहेंगी। वो मान के चलिए कि हर वीडियो फाइल जो है वो 50 MB, 100 MB, 110 MB या उससे भी कम में वो रहेंगी, तो आपको फाइल्स को डाउनलोड करने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। एक बात आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि आपको इसी अकाउंट डिटेल्स पर मनी सेंड करने हैं, यानी ये जो आप अकाउंट नंबर देख रहे हैं इसी अकाउंट नंबर पर आपको पैसे डालने हैं। इस कोर्स के लिए हमने इस तरह का पेमेंट मोड इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो लोग वॉलेट के माध्यम से या फिर क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन मनी पे नहीं कर पाते हैं, उन्हें प्रोसेस नहीं मालूम होता है। तो आप सबकी सुविधा के लिए हमने इस तरह का पेमेंट ऑप्शन रखा है। आपको बस एक बार बैंक जाना होगा और बैंक जा करके आपको 3,900 रुपीज अकाउंट में डालने होंगे, और उसका रिसिप्ट जो है आपको फिर हमें फोटो खींचकर सेंड कर देना होगा। ऐसे में क्या होगा कि जो लोग कोर्स करना चाहते हैं और जिन्हें ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं आता है, वो लोग भी इस कोर्स को आसानी से कर पाएंगे। हमारी A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स जो है ये बिल्कुल कम प्राइस में आपको मिल रही है, यानी इसकी प्राइस जो है वो बिल्कुल अफोर्डेबल है। 3,900 रुपीज में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की ऑनलाइन कोर्स कहीं नहीं मिलेगी, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है घर बैठे स्क्रिप्ट राइटिंग सीखने का। आप कम फी में इस बेस्ट स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को जरूर कीजिए क्योंकि ये चीप एंड बेस्ट है। तो स्क्रिप्ट राइटिंग के कोर्स से रिलेटेड मैं आप लोगों को सभी जो डिटेल्स है वो दे चुका हूँ। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग के कोर्स के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप उससे जानकारी ले सकते हैं, या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपका समय स्टार्ट हो चुका है, आप A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए, जो पहले 30 लोग अप्लाई करेंगे उनके लिए कोर्स की फी मात्र 3,900 रहेंगी। तो जल्दी जल्दी जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करके फिर इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और बन जाइए एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, शेयर पूरे अच्छे से कीजिए, क्योंकि बहुत सारे नए राइटर्स जो है वो लोग स्क्रिप्ट राइटिंग की कोर्स की तलाश में रहते हैं जो उन्हें घर बैठे वो कर सके, वो ऑनलाइन कर सके। तो शेयर पूरे इस वीडियो को अच्छे से कीजिए ताकि सभी राइटर्स के पास ये वीडियो पहुंचे और वो ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स ज्वाइन कर सके। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।